अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैसे आप देख रहे हो टेक प्रो। दोस्तों वीवो ने अपना Y31 मॉडल लॉन्च कर दिया है मार्केट में, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। 35,999 रुपये के अंदर आपको जो स्पेक्स मिलती हैं, क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में यही देखेंगे तफसील से। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है, एक है रेसिंग ब्लैक और दूसरा है ओशन ब्लू। अब दोस्तों इस वक्त जो फ़ोन हमारे पास मौजूद है वो है रेसिंग ब्लैक। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन के कवर को उतारते हैं और फ़ोन के कवर को उतारने से पहले फ़ोन के ऊपर भी, बॉक्स के ऊपर भी कुछ स्पेक्स लिखी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीवो का ये फ़ोन है Y31 और 4GB वेरिएंट है, 128GB इसकी इंटरनल स्टोरेज। और बैक साइड को देखा जाए तो इसका 48 मेगापिक्सल्स का बैक कैमरा है और इसके साथ ही आपको 1080p रेजोल्यूशन की स्क्रीन मिलती है। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास 5000 mAh की बैटरी है और आपके पास ऑडियो बूस्टर स्पीकर है। तो फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स का कवर हम उतार के साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे ऊपर आपको इस फ़ोन की डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपको मिलता है TPU केस, जो कि नॉर्मली आजकल तकरीबन हर फ़ोन के अंदर आपको दिया जाता है। और साथ ही आपको मिलती है सिम इजेक्ट टूल और इसको हम, या आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन है। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि जो वीवो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को उर्दू ज़ुबान के अंदर देती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो है वीवो का Y31 स्मार्टफोन, जो कि बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह मिलता है। और देखें तमाम गैजेट्स जो है वो, तमाम एक्सेसरीज भी साथ ही बाहर आ चुकी हैं। तो दोस्तों देखिए ये है आपका फोन और ये इसकी बैक साइड। तो इसके साथ बॉक्स में आपको मिलता है एक अदद इसका IMEI स्टिकर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर लगा सकते हैं या बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं ताकि आप इसको बाद में किसी भी वक्त आसानी से देख सकें। तो इसको भी हम साइड पे करते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको मिलती है एक Type-C केबल वीवो की तरफ से, जो कि ओरिजिनल वीवो की केबल है। और फिर दोस्तों आपको मिलता है इसका एक चार्जर जो कि 18 वाट्स का है। अब दोस्तों वीवो ये क्लेम करता है कि आप अगर इस चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो तकरीबन एवरेज जो चार्जिंग टाइम होगा वो 1 मिनट में 1% होगी, मतलब तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपकी 65 से 70% फ़ोन की चार्जिंग हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही बॉक्स में आपको वीवो के अपने ब्रांडेड हैंड्स फ्री भी मिलते हैं। इसके बाद हम फ़ोन पर जाते हैं, तो फ़ोन का कवर सबसे पहले उतारेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा वीवो का Y31 रेसिंग ब्लैक एडिशन। तो दोस्तों फ्रंट की बात अगर कर ली जाए तो आपको स्क्रीन जो है वो मिलती है 1080 रेजोल्यूशन की, मतलब इसको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। और अगर कैमरे की बात की जाए तो आपके पास सेल्फी कैम जो है वो है 16 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच कैमरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोन्स में आपको मिलता है। और अगर राइट साइड की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपके पास जो पावर बटन है इसके अंदर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और इसके अलावा आपके पास जो वॉल्यूम के बटन्स हैं वो भी राइट साइड पे आपको मिलते हैं। और दोस्तों अगर टॉप की बात की जाए तो आपको यहाँ मिलती है सिम इजेक्ट ट्रे, जिसको आप इजेक्ट करके दो अपनी माइक्रो सिम्स और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास दोस्तों दो सिम लगाने की और एक SD कार्ड लगाने की ऑप्शन है। तो हम इसको वापस लगा देते हैं। और साथ ही दोस्तों टॉप पर आपको एक मिलता है एक अदद माइक्रोफोन, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोफोन्स आजकल तकरीबन हर फोन के अंदर एक माइक्रोफोन नीचे और एक माइक्रोफोन ऊपर की तरफ दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड इसकी बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता। दोस्तों नीचे की बात कर ली जाए तो आपको मिलता है एक 3.5 mm जैक, जिससे आप अपने हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपको मिलता है एक माइक्रोफोन, एक मिलती है आपको Type-C केबल और एक आपको मिलता है स्टीरियो स्पीकर। और दोस्तों यहाँ एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि 34,999 रुपये के अंदर आपको इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, बल्कि इसकी जो स्क्रीन है वो IPS LCD है। अब दोस्तों अगर बैक की बात कर ली जाए तो बैक पे आपको मिलती है ग्लॉसी फिनिश और ये जो रेसिंग ब्लैक कलर है मुझे पसंद था, क्योंकि दो ही वेरिएंट्स थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो ओशन ब्लू से मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ओशन ब्लू जो है वो मैट कलर में आपको मैट फिनिश में मिलता है, लेकिन जो रेसिंग ब्लैक है वो आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा एक मसला ये होगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे, लेकिन स्टिल एक एलिगेंट कलर है,
अच्छी चॉइस है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये ले लें, अगर आपको ओशन ब्लू पसंद है तो आप वो कलर ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए तो फ़ोन की बैक साइड पे आपको ब्रांडिंग मिलती है वीवो की, और लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो कि आजकल एक ट्रेंड है आपको मिलते हैं इसके कैमरा। लेकिन यहाँ कोई क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है दोस्तों, यहाँ आपको मिलते हैं तीन कैमरे। और वीवो ने यहाँ एक जो खास काम किया है वो ये है कि इसमें यहाँ कोई वाइड एंगल कैमरा नहीं डाला, बल्कि जो मेन कैमरा है प्राइमरी कैमरा उसी को उन्होंने 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया है और वही वाइड एंगल कैमरा है। इसके साथ दोस्तों जो आपको दो कैमरे मिलते हैं वो 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर कैमरा और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा। और दोस्तों अगर इन कैमरों के नीचे देखा जाए तो आपको मिलती है एक फ्लैश लाइट। तो दोस्तों बैक साइड पे यही है। अब दोस्तों जब तक ये फ़ोन ऑन होता है मैं आपको इसकी कुछ जो बेसिक स्पेक्स हैं वो बता दूँ कि इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 662 जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से और 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड किया गया है। और दोस्तों इसकी अगर बात की जाए जीपीयू की तो एड्रीनो 610 आपको मिलता है, और इसके अलावा 4GB रैम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 128GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। अब देखिए दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है और इसकी जो लैंग्वेज आपको सबसे पहले जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो आती है वो है उर्दू लैंग्वेज, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है वीवो के अंदर और किसी ब्रांड के अंदर, किसी ब्रांड के फ़ोन के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि स्पेसिफिकली ये फोन जो है पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये जो जुबान उर्दू जुबान हमें नजर आ रही है शायद इसकी वजह ये है कि वीवो ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रिसेंटली फैसलाबाद के अंदर लगाया है। तो देखिए उर्दू जुबान है, इसको आराम से आप कोई भी बंदा समझ सकता है। लैंग्वेज हम चूज करते हैं और इसके बाद हम करेंगे शुरू करें, और इसके बाद हम अपना मकाम मतलब अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद जो एग्रीमेंट है उसको हम एक्सेप्ट ही करेंगे ताकि फ़ोन ऑन हो। मुत्तफिक पे क्लिक करते हैं और इसके बाद अब वाईफाई फ़िलहाल हम इसको कनेक्ट नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों बात कर लीजिए फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन ऑन हो चुका है तो इस फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है वो है फन टच 11 जो कि वीवो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और शायद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही वीवो के जो फैंस हैं इस फ़ोन को पसंद करते हैं, उसकी वजह यह है कि वीवो फन टच के अंदर एंड्रॉयड में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता जिस तरह रेडमी या रियलमी के फ़ोन्स करते हैं। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि ये स्टॉक के बिल्कुल करीब होता है, वीवो के फैंस वीवो के फ़ोन्स को पसंद करते हैं। और अगर बात कर ली जाए कि इस फ़ोन को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल आपका अपना फैसला है। इस फ़ोन के अंदर जो IPS LCD डिस्प्ले है वो कुछ इतना बुरा भी नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन स्टिल जो फोन है इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, जो टच है वो बहुत स्मूथ है। और अगर प्राइस को देखा जाए तो दोस्तों प्राइस बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि प्राइस अगर ये होती 30 के आसपास तो ये एक एग्रेसिव प्राइस होती, कंपेटिटिव होती और जितने भी फोन्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं उनके साथ एक अच्छा मुकाबला करती। लेकिन 34,999 के अंदर अगर आप वीवो के फैन हैं और आप वीवो के ब्रांड को पसंद करते हैं, वीवो के फैन हैं शुरू से, तो मेरे ख्याल से आपको ये फ़ोन पसंद आएगा। तो दोस्तों क्योंकि अब ये गेमिंग एक्सटेंसिव फ़ोन नहीं है तो इसलिए हम इस पर PUBG या इस तरह की कुछ गेम्स तो चला नहीं सकते, इसलिए मैं आपको कैमरा टेस्ट आपको ज़रूर बता देता हूँ इस स्टूडियो के अंदर ही, और वीडियो टेस्ट भी बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है और इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कैसी है। सेल्फी कैमरा है, आप देख सकते हैं कि मैं इसकी जो सेल्फी कैमरा है उसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो आवाज़ आ रही है वो भी इस कैमरे की अपने माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, मतलब डिसेंट क्वालिटी है, और इसमें किसी किस्म का कोई फिल्टर मैंने इस फ़ोन के अंदर भी ऑन नहीं किया हुआ। अब दोस्तों आप इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा देख चुके हैं, कुछ पिक्चर्स मैंने और कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको सैंपल्स दिखा दी हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका जो बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स वो लो लाइट में कैसे काम करता है, इसके अलावा जो आपके पास 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अब आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसके बैक कैमरा से देख रहे हैं, और इसका जो बैक कैमरा है वो डुअल कैमरा मतलब ये वाइड एंगल कैमरा के तौर पे भी काम करता है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो तब भी आप इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी जो है वो स्टेबलाइजेशन कैमरे के अंदर मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस वक्त ये स्टूडियो के अंदर है, और स्टूडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। दोस्तों इसका ये बैक कैमरा आप देख सकते हैं कि लो लाइट के अंदर इसकी क्वालिटी कैसी है, ये फैसला आपने करना है। मुझे तो इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक लग रही है, मुनासिब है। स्टेबलाइजेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि कुछ जो एब्रप्ट जर्क्स हैं वो उस तरह के नहीं है। ये मैं चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि
बड़ा अच्छा मौसम है इस वक्त हैबटाबाद में, तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी है। कोई बहुत अच्छा एंगल मेरे पास नहीं था, वरना मैं आपको वहाँ से रिकॉर्डिंग करके बताता। अब दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, इस फ़ोन को आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।